हिप रिप्लेसमेंट का प्रमाण बढ़ा है। कोरोना की वजह से मानवीय जीवन पर बहुत सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसमें हिप से संबंधित तकलीफों का समावेश है, जिसकी जानकारी इस क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर सुप्रीत बाजवा ने दी है। कोरोना के बाद मानवीय जीवन में बहुत सी बदलाव देखने को मिले हैं। कई बीमारियां पोस्ट कोविड के बाद लोगों में दिखी हैं। इसमें हिप से संबंधित बीमारियां भी हैं, जिस वजह से लोगों में हिप रिप्लेसमेंट की तादाद बढ़ी है, जिसकी जानकारी डॉक्टर सुप्रीत बाजवा ने दी है। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत बाजवा है और मैं हिप रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर में। मेरा नीच या मेरा सिलेक्टिव काम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का है। हिप रिप्लेसमेंट आज एक काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होना चालू हो गया है। इसका कारण सबसे बड़ा है जो हिप की बॉल की खराबी है आफ्टर कोविड। कोविड के बाद में बहुत सारे यंग एडल्ट्स में हिप जॉइंट का ख़राब होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और स्पेशली ये नागपुर विदर्भा बेल्ट में, यहाँ पे हिप्स का डैमेज काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कोविड, एवियन स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ब्लड की प्रॉब्लम्स, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉल ख़राब हो जाता है, और पेशेंट्स को रेगुलर एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे चलना, बाइक चलाना, बेड के एक साइड से दूसरे साइड होना, ग्रॉइन में बैक में पेन होना, इससे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ अपनी कर नहीं पाते हैं। हमारे लिए वो पेशेंट्स जो यंग और ओल्ड हो सकते हैं, इनके लिए एक सर्जिकल सोल्यूशन होता है हिप रिप्लेसमेंट। अब हिप रिप्लेसमेंट इंडिया में एक कन्वेंशनल तरीके से किया जाता है। कन्वेंशनल मतलब हिप रिप्लेसमेंट का जो कट होता है वो 6 से 8 इंच बड़ा होता है, उसमें 4 मसल्स कट की जाती हैं और उसके बाद सर्जरी परफॉर्म की जाती है। उस सर्जरी में आर्टिफिशियल बॉल और आर्टिफिशियल सॉकेट हिप जॉइंट में डाला जाता है। ये सर्जरी में हिप जॉइंट का बॉल और सॉकेट रिप्लेस किया जाता है एक आर्टिफिशियल जॉइंट से। इसके बाद पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाता है, बट कन्वेंशनल अप्रोच में आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ सच एज ज़मीन पे बैठना, चौकड़ी मारना, इंडियन कोमोड यूज़ करना, फार्मिंग करना, ये सब रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, बिकॉज 4 मसल्स कट की जाती हैं और इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है और चांस ऑफ डिसलोकेशन काफ़ी बढ़ जाता है। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में आज देखी जा रही है आफ्टर अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसके दोनों पैर का लेंथ आफ्टर सर्जरी कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को फ्यूचर में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में करने में। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एक हिप रिप्लेसमेंट टेक्निक है जिसमें कट थाई के सामने से होता है और हम कोई मसल कट नहीं करते हैं। जब हम मसल्स कट नहीं करते हैं और हिप बॉल और सॉकेट रिप्लेस कर देते हैं तो उन्हें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है और इनिशियल फंक्शनल रिकवरी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। इसका मतलब पेशेंट सर्जरी के सेम दिन चलने लग जाता है, अगले दिन से क्रॉस लेग या ज़मीन पे बैठ सकता है, ये साइड से वो साइड सो सकता है, चलने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बाइक चला सकता है और इंडियन कमोड यूज़ कर सकता है। ये सारे फंक्शनल एडवांटेजेस हमारी यंग पॉपुलेशन जिनको हिप की प्रॉब्लम है और हमारी ओल्डर पॉपुलेशन जिनमें ज़रूरी है कि हम उनको अपने पैरों पर जल्दी कर दें खड़ा, इनमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। नॉर्मली एक हिप रिप्लेसमेंट और एक डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच ऑफ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में कोई कॉस्ट का फ़र्क नहीं होता है। सो ये एक और एडवांटेज है जो पेशेंट बेस को हम दे पाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ये सर्जिकल टेक्निक मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर लाया हूँ एंड होपफुली हमारे पेशेंट बेस को विद नागपुर, विदर्भा एंड सराउंडिंग एरियाज हम इनकी मदद कर पाएँ यूजिंग दिस सर्जिकल टेक्निक, ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जल्द से जल्द वापस जा पाए। हिप से संबंधित समस्याओं के लिए कई बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शराब का ज़्यादा सेवन, शुगर बढ़ना, ब्लड से संबंधित तकलीफें और बहुत कुछ। सभी संबंधित समस्याओं की वजह से हिप से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस पर वक्त रहते ही इलाज किया जाए तो मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश रंकलवार, BCN न्यूज़ नागपुर।